मक्खनपुर नगर पालिका को नगर निगम बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। बताते चले कि फिरोजाबाद के मक्खनपुर नगर पालिका को नगर निगम में विलय करने पर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नगर पालिका को नगर निगम बनाने के विरोध में न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि ज्ञापन भी दिया। क्षेत्रवासियों का मानना है कि जब नगर पालिका में ही विकास हो रहा है तो नगर निगम में विलय क्यों किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर नगर पालिका का विलय नगर निगम में हो गया तो लोगों पर निरर्थक ही टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। साथ ही मेयर साहब कहां कहां देखेंगे। बड़ा क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र का विकास भी इतना नहीं हो पाएगा जितना अभी हो। मेरा नाम कमलेश यादव, सभासद वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत मक्खनपुर। और देखिए, हमारी नगर पंचायत तो अभी हर तरफ चारों तरफ विकास कर रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, पार्क बन रहे हैं और सड़कें, खरंजा गली, नाली पानी सब की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी नगर निगम हमको षड्यंत्र करके नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करना चाहते हैं। हमने सुना है कि पहले भी लगभग 14 ग्राम सभाएं जोड़ी थी नगर निगम ने 7 साल पहले, उनमें आज तक एक ईंट नहीं लगा पाई है। वहाँ के लोग कहते हैं, हमने फोन करके भी बात की है, रिश्तेदारियाँ थी, ये ऐसी समस्या समझी, तो वो कहते हैं कि हमारे प्रधान ही अच्छे थे यहाँ पर, और अब तो यहाँ पर पार्षद भी बहुत लंबा बन गया है, कम से कम 20 गाँव एक पार्षद होता है, तो समस्या का भी समाधान नहीं हो पाता, ना ही उनके पास पहुँच पाते। और रही बात इसकी, हमारी नगर पंचायत पर आरोप लगाए जाते हैं, ये आरोप जो है विपक्षी लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, जिन्हें हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है। काम सब अच्छे चल रहे हैं, कोई भी अध्यक्ष महोदय हमारी अच्छा काम कर रही हैं और सभी को साथ लेकर चलती है, हर वर्ग को साथ लेकर अपना काम। किस तरह के आरोप लगाए गए हैं? जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो हमारी समझ सब निराधार हैं। किस तरह के आरोप लगाए गए हैं? आरोप जो भी अभी आपने बताया था कि आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचार से संबंधित किसी से, लेकिन अगर कोई चीज है तो उसका आप देखें और उसका निराकरण होगा और जाके आप जांच करें कि कहाँ समस्या है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन प्रकाश गुप्ता, मक्खनपुर भोपाल मंडल से हूँ मैं, और मक्खनपुर को नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने के विरोध में हम लोगों ने आज DM साहब को ज्ञापन दिया है और इसका हम बहुत विरोध कर रहे हैं और इसके लिए अनशन करने के लिए तैयार हैं, बाजार भी बंद करेंगे, यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बाजार भी बंद करेंगे। और इसके लिए यदि हमारी छोटी मोटी समस्या का जो समाधान जो हमारी नगर पंचायत से हो जाता है उसके लिए हम फिरोजाबाद भागना पड़ेगा, और हमारी हर समस्या का समाधान मक्खनपुर नगर पंचायत से होता है और विकास का भी ज़्यादा होता है। इसके लिए यदि हमारी शासन और प्रशासन, यदि हमें लखनऊ जाना पड़ा तो वहाँ पर भी जाएंगे और हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम बाजार बंद करके अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, ये हमारी आता है। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपको मक्खनपुर विलय किया जा रहा है? मक्खनपुर में विलय करने के लिए जानकारी हुई कि अखबार में कई बार निकली और हमने इसकी जानकारी की, सर्वे और इसका सर्वे भी हुआ है और उसकी सब जानकारी मिली है। इसके लिए हम उसका विरोध कर, नगर निगम नगर पंचायत पहले जो बनाई गई, कितनी मेहनत से बनाई गई और उसको एक कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ, उससे पहले नगर निगम में बनाया जा रहा है, ये इतना ही करना था। हमारी नगर पंचायत क्यों बनाई गई? तो पहले ही नगर निगम में दे दी जाती, यदि एक भी कार्यकाल हमारा 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं, अभी 1.5 साल हुए हैं नगर पंचायत बने और उसको नगर निगम में विलय किया जा रहा है, इसका हम पूरी तरह विरोध करेंगे। क्या मामला? रमाकांत बजाज, जिला उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल मक्खनपुर। मक्खनपुर नगर पंचायत को प्रशासन की थानाशाही से नगर निगम फिरोजाबाद में विलय किया जा रहा है। हम नगर पंचायत के सभी नगरवासी व जनता इसका विरोध करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मक्खनपुर की नगर पंचायत है वो बनी रहे, जिससे जनता को लाभ मिले और विकास कार्य में कोई परेशानी ना हो। क्या कारण है विलय करने का? विलय करने का कारण, ये मक्खनपुर नगर पंचायत को विलय करने का कारण ये है कि विधायक सदर मनीष ससीजा की पहल पर नगर पंचायत मक्खनपुर को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है। हम विधायक जी से भी अनुरोध करेंगे कि मक्खनपुर नगर पंचायत को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए, जिससे जनता को परेशानी ना हो। ठीक है।